हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIS एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के जुलाई 2023 एडमिशन सेशन के लिए सभी कोर्सेज के फ्रेश एडमिशन के लिए। इग्नू ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो नया फीस स्ट्रक्चर है उसका जारी किया है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में भी हम ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन अवेलेबल है उससे बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इग्नू ने 9 मई 2023 की डेट में इग्नू के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर 54 जारी किया है, जो कि इग्नू का नोटिफिकेशन नंबर 293 है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन का फीस के रिगार्डिंग। अब इसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की फीस को रिवाइज किया गया है, नई फीस स्ट्रक्चर जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की भी है, बैचलर डिग्री की भी है। तो यहाँ पे कोर्सेज के नंबर अगर देखा जाए तो 19 बैचलर डिग्री कोर्स और 25 मास्टर डिग्री कोर्स की फीस में बदलाव जुलाई 2023 एडमिशन सेशन से किए गए हैं। तो जो फीस आप देख रहे हैं ये पर ईयर हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स की 4200 रुपये रहेगी, साइंस BSc की 5700, बैचलर ऑफ आर्ट्स की 4200, बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज 4700, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की 4700। इसके अलावा जितने भी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर कोर्सेज हैं उसमें कुछ कोर्सेज के अलावा जैसे कि साइकोलॉजी की 5200 है, बाकी सभी की 4700 है। इसी तरह जितने भी ओनर्स आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स लाइब्रेरी साइंस की 8300 8300 रुपये रिवाइज कर दी गई है, पहले 8100 थी। BCA की 7700 रुपये पर सेमेस्टर है और BBA की आपकी 10200 पर ईयर है। BSW पर ईयर 6100। बैचलर इन सोशल वर्क, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी 6200 और MSc CFT की 17100 कर दी गई है। MARD की 6800 रुपये है। आप फीस देख सकते हैं, ये लिस्ट तो सामने दिख रही है, ये सभी फीस रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस जो नया जुलाई 2023 एडमिशन सेशन से फॉलो होगा वो ये है। इसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड स्टेप में कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो जो लिस्ट आपने देखी है ये कोर्सेज तो हैं ही। इसके अलावा इसमें जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम्स में लिस्ट में दिखेंगे ये सभी कोर्सेज इग्नू के द्वारा ऑफर किए जाते हैं प्रत्येक सेशन में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर ये लिस्ट नहीं आती तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा, सबके प्रोग्राम की डिटेल्स आ जाएगी, उसमें रीड मोर पे करके आप एलिजिबिलिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं एडमिशन ओपनिंग डेट की, तो एडमिशन आपके बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं, 3 से 4 दिन के अंदर आपके एडमिशन का लिंक आ जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद है। सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और फीस का जो नोटिफिकेशन का लिंक है ऑल इंडिया के इग्नू रीजनल सेंटर्स के लिए ये जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन आप अपने सामने देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इग्नू के नए अपडेट के साथ।